नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ फेमोरल स्टोरी की एक स्टोरी। ये उस समय की बात है जब गुलामी हुआ करती थी। लोग गुलामों को खरीदते थे, दास ही दास होते, घर के काम के लिए, खेतों के काम के लिए, मकानों के काम करवाते उनसे। ऐसे ही एक मालिक था, उनको पता चला कि उनका एक दास लुकमान नाम का बहुत मशहूर हो रहा है, फेमस हो रहा है। जानने की कोशिश की तो पता चला बहुत बुद्धिमान है, लोगों के मन को शांत करता है, लोगों को बहुत बुद्धिमत्ता वाली बातें सिखाता है। उन्होंने उसको बुलाया और कहा, लुकमान आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा और अगर तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए तो तुम्हें गुलामी की जंजीरों से आजाद कर दूंगा। लुकमान ने कहा, मेरे आका बोलिए आपकी क्या सेवा की जाए। लुकमान ने वहां पे हाथ जोड़े खड़ा ही था, मालिक ने कहा, जाओ एक मरे हुए बकरे का जो सबसे अच्छा अंग है वो लेके आओ। लुकमान गया और एक पेपर में ला के उसने मालिक के आगे जीभ रख दी। उन्हें बोला, जीभ, ये तुम्हें सबसे अच्छा अंग लगा? उसने बोला, ये जीभ ही ऐसा अंग है, जब अच्छा है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। मालिक ने फिर कहा, इसको ले जाओ और जो सबसे खराब अंग है उस बकरे का वो लेके आओ। वो फिर से वापिस आया और उसने फिर से वही जीभ उनके आगे रख दी और कहा कि अगर ये खराब है तो सब कुछ खराब है। मालिक ने कहा, तुम्हें अच्छी भी जीभ लगी, खराब भी जीभ लगी, ऐसे कैसे? उसने कहा कि यही एक ऐसा मात्र अंग है जिसका उपयोग हमारे हाथ में है। कब करें, कैसे करें, क्यों करें, कहां करें, ये जब इंसान को समझ आ जाएगा तो सब कुछ अच्छे से अच्छा हो सकता है, सब कुछ बुरे से बुरा हो सकता है। ये जीभ हमारे समाज में ऐसा काम करती है कि समाज को स्वर्ग में तब्दील कर देती है और बसा बसाया स्वर्ग भी इस जुबान के कारण नरक में बदल जाता है। मात्र 3 इंच की जुबान है, 6 फुट के आदमी को मार सकती है और वही जुबान मरते हुए व्यक्ति के अंदर प्राण फूंक सकती है। वही यही जुबान है जो हम मधुर से बोलें तो दुनिया हमारी हो जाती है, हमें लोकप्रियता मिलती है। इसी जुबान से कर्कश और गंदी वाणी बोलें तो हमें अपयश मिलता है। यही हमारा प्रतिबिंब है, यही जुबान हमारे समाज की प्रतिष्ठा दिखाती है। इतना बड़ा युद्ध महाभारत इसी का परिणाम है। इस जुबान ने हमारे संसार में कहर ढाए हैं और इसी जुबान ने हमारे संसार में कई ऐसी हैं जो युद्ध खत्म किए हैं। मालिक को तो समझ में आ गई, उन्होंने उसको लुकमान को गुलामी की जंजीरों से आजाद कर दिया। आइए दोस्तों, हम भी अपनी जुबान को अपने कंट्रोल में करें। मधुर से मधुर शब्द, इसके अंदर अमृत बरसे ताकि हमारी धरती स्वर्ग जैसी हो, हमारे आगे पीछे वाले लोगों में हमें प्यार ही प्यार नजर आए और उनको हम में अच्छाई नजर आए, ताकि हम मिल के समाज का उत्थान कर सकें। अभी ऐसा समय चल रहा है कि एक दूसरे के प्यार की बहुत जरूरत है, एक दूसरे से निकली हुई मीठी वाणी की बहुत जरूरत है। आइए मीठी वाणी, मधुर संगीत अपनी जुबान से फैलाएं। नमस्कार, जय हिंद।